दो चीज मेजर की थी, द स्मॉल डी एंड द कैपिटल डी। अगर उस स्मॉल डी और कैपिटल डी से यू और वी ढूंढे तो क्लियर है यू कितना आ रहा है, डी प्लस डी बाई टू, डी कितना आ रहा है, डी माइनस डी बाई टू। इसको वन अपान एफ इज इक्वल टू वन अपान वी माइनस वन अपान यू में वी को प्लस डी माइनस डी बाई टू और यू को माइनस डी प्लस डी बाई टू रख के अगर अरेंज करते चले जाए तो क्लियर क्या मिलता है। तो आपको ये बीच के सारे स्टेप याद करवा दिए गए थे, आपको बोला गया था कि सिर्फ दो चीज आप मेजर कर लो, द गैप बिटवीन द पोजीशन ऑफ टू लेंस एंड द गैप बिटवीन द पोजीशन ऑफ टू पिंस, एक स्मॉल डी के नाम से कैपिटल डी के नाम से, और आपको कहा गया था कि वो फार्मूला यूज कर लो। क्लियर हो फार्मूला कैसे आया, जब थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे तो लेंस की एक पोजीशन के लिए बी और यू मिल गया, लेंस की दूसरी पोजीशन के लिए आपको बी और यू मिल गया। इस बी और यू में जब दो लेंस का गैप डिस्कस कर रहे हैं एज ए स्मॉल डी तो ये यू माइनस वी के बराबर आ रहा है, जब दो पिन के बीच का गैप ढूंढ रहे हैं तो ये यू प्लस वी के बराबर आ रहा है, सेटल कर रहे हैं तो वी की वैल्यू आ रही है डी माइनस डी बाई टू, यू की वैल्यू आ रही है डी प्लस डी बाई टू। इसको लेंस फार्मूला में रखते हैं सॉल्व करते हैं तो फाइनल सेटलमेंट आता है एफ इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन फोर डी। बीच का सारा स्टेप हम लोग खा गए थे, हम लोगों ने कहा था कि आप मेजरमेंट में वो फार्मूला याद रखिए और मेजरमेंट की टेक्निक याद रखिए, तो ये सीबीएसई के सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है, वो फार्मूला है। अक्सर एक न्यूमेरिकल आप देखेंगे आया हुआ है कि वॉल और ऑब्जर्वर के बीच में लेंस के किसी दो पोजिशन के लिए इमेज की पोजिशन दे सकते हैं, वो डिस्प्लेसमेंट मैथड है, क्योंकि वॉल मतलब उस पर लोकेट करेंगे और आप मतलब ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब एक नीडिल और एक स्क्रीन के बीच में लेंस की दो पोजीशन, जब ऐसा वर्ड आया लेंस की दो पोजीशन तो समझ जाएगा डिस्प्लेसमेंट मेथड, क्योंकि लेंस की दो पोजीशन सिर्फ डिस्प्लेसमेंट मेथड में मेजर की जाती थी। न्यूमेरिकल हम लगा के आपको दिखा देंगे। और एक और कंपलसरी क्वेश्चन में आ जाइए, वन मार्क में पूछता है न्यूटन्स फार्मूला, हम दिखा दे रहे हैं आपको आया कैसे है लेकिन कोशिश कीजिए कि इसका रिजल्ट याद रखिए। न्यूटन्स फार्मूला, डिस्प्लेसमेंट मेथड और न्यूटन्स फार्मूला, ये वन मार्क्स में कंपलसरी में आते हैं। ध्यान से देखिए, अगर ये एक लेंस है, एक तरफ इसका फोकल लेंथ F1, एक तरफ इसका लेंथ फोकल लेंथ F2, कैसे दो फोकस हो गया, इधर पैरेलल रेज चलाएगा तो उधर फोकस हो जाएगी और इधर से फोकस से रेज निकलेंगे तो उधर पैरेलल हो जाएगी, क्यों भाई इधर पैरेलल चलाएंगे तो उधर फोकस हो जाएगी और हम कह रहे हैं कि इधर फोकस से रेज चलाएंगे तो उधर पैरेलल हो जाएगी और इधर से फोकस से चलाएंगे तो इधर पैरेलल हो जाएगी, यानी कि ऑब्जेक्ट पता नहीं इधर है कि उधर है। इसमें एक को किसी भी लेंस के दो फोकस होते हैं, ये भी आईएससी बोर्ड में पूछा गया, किसी भी लेंस के दो फोकस होते हैं उसमें से एक फोकस को प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, किसको और क्यों हम एक्सप्लेन करते रहे। कॉन्वेक्स का दो फोकस है, एक F1 एक F2, ठीक है, आप मेंटेन हो जाइए यहां और हमेशा नथिंग इज गिवन तो हमेशा रे का प्रिंसिपल है, आप लेफ्ट टू राइट लेंगे, कहते हैं लेफ्ट राइट कभी सुना क्या, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, एक कन्वेंशन बना लिया भाई, ऐसा बाध्यता थोड़ा ना कि लेफ्ट देन राइट, लेकिन ठीक है पढ़ते तो ऐसे ही लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, ठीक है, तो कहने का मतलब नथिंग इज गिवन तो हमने कन्वेंशन ले लिया। अभी जब आप यहाँ मेंटेन होंगे ऑप्टिकल सेंटर पर और F1 मेजर करने जाएंगे तो दो रे के अगेंस्ट चल रहे हैं, तो अगर कन्वेंशन के हिसाब से सोचे तो ये तो नेगेटिव हो जाना चाहिए, लेकिन हमने कहा कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव ले नहीं सकते, इसका मतलब हमें मजबूरी में इसको प्लस करना पड़ेगा, इसका मतलब है मजबूरी है तो छोड़ देना इसको, क्यों लेकर फोन, इसीलिए ये नेग्लेक्ट हो गया, इसको सेकेंड फोकस कहा गया, क्लियर है। और अब जब यहाँ से चल कर यहाँ जाएंगे तो आपका कन्वेंशन भी मैच करा रहा है कि पॉजिटिव और फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस के सेकेंड प्रिंसिपल को, कॉन्वेक्स लेंस देखिए इधर फर्स्ट होता है उधर सेकेंड होता है, कॉन्वेक्स लेंस के सेकेंड फोकस को प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है और जबकि फर्स्ट फोकस को सिर्फ फोकस कहा जाता है और इसको नेगलेक्ट करने की कोशिश की जाती है। अब कार्क्यू में उल्टा हो जाएगा, क्यों, जैसे ही रे पास कराएंगे ये देखिए पर से डाइवर्ट हो जाएगा, बैक साइड प्रोड्यूस करेंगे तो फोकल इधर आएगा ना, यानी कॉन्वेक्स का फर्स्ट फोकस उसका प्रिंसिपल फोकस माना जाता है और जबकि सेकंड फोकस नेगलेक्ट करने को कहा जाता है, क्यों,
ऑप्टिकल सेंटर पर मेंटेन हो जाइए, जब इधर जाएंगे तो रे के डायरेक्शन में चल रहा है, तो कन्वेंशन के हिसाब से फोकल लेंथ पॉजिटिव लेना चाहिए, जबकि थ्योरी कहती है कि कॉन्केव का फोकल लेंथ पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, इसका मतलब मजबूरी है हमारी, छोड़ दीजिए। तो आपसे पूछता है व्हाई द सेकंड फोकस ऑफ कॉन्वेक्स इज सेड टू बी द प्रिंसिपल फोकस, आंसर है बिकॉज़ इट इज पॉजिटिव। या आपसे कह सकता है व्हाई द फर्स्ट फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज नेगलेक्टेड, दिस इज बिकॉज़ द पार्टिकुलर साइन कन्वेंशन इट इज नेगेटिव, छोड़ दीजिए नहीं समझ में आया। तो ये सब 1 मार्क्स पे है, वही बच्चे 95 96 ला सकते हैं जो आईएससी में 1 से 12 तक कंपलसरी क्वेश्चन में एक भी गलत ना करें, एंड सीबीएसई में 1 से लेके 10 तक, 1 से 4 होता है ऑब्जेक्टिव, एक क्वेश्चन पूछेगा, 4 ऑप्शन देगा आपको, उसका खाली ए बी सी डी बता देना है, और 4 देता है 1 मार्क्स में लिखने के लिए। आप सोचेगा व्हाई द कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस, आप लपेटना शुरू किए, जब रे डायग्राम बनाते हैं तो आप देख सकते हैं कि रे गई थी ऐसे ऐसे ए बी और सी डी और ये ई एफ जी एच जो है वो एक प्रिंस पर कट गया, तुरंत कट गया, उसको टाइम ही नहीं एग्जामिनर को इतना पढ़ने का, आपको सीधे सीधे कहना चाहिए था कि अगर ये क्वेश्चन पूछा है कि अभी तो प्रिज्म आपको मैंने पढ़ाया नहीं, वहां एक क्वेश्चन बताना चाहिए था कि कॉन्वेक्स लेंस इज एज्यूम टू बी मेड बाई मेनी प्रिज्म, देखिए क्यों बहुत सारे प्रिज्म से मिलके बना हुआ मान सकते हैं, ठीक रहा है, प्रिज्म का मतलब ये नहीं कि ऐसे बना देंगे तो प्रिज्म नहीं है, अब आप कहेंगे हाँ प्रिज्म नहीं है, है प्रिज्म ये पूरा कर लीजिए ना, वर्चुअल पूरा कर लीजिए, जरूर थोड़ा कि प्रिज्म का कुन्ना दिखाया जाए आपको, ठीक है, मतलब एक तरफ स्लैब कब मानेंगे, जब दोनों ये और ये बराबर होगा तब ना स्लैब में जाएगा, ठीक है, अगर थोड़ा भी ये टिल्ट है तो समझ जाइए ये स्लैब नहीं लेना है आपको, क्या लेना है वर्चुअल प्रिज्म हो गया ये, यानी प्रिज्म का रूल फॉलो करेगा, प्रिज्म का फीचर होता है ये हमेशा रेज को बेस की तरफ मोड़ता है, इस प्रिज्म का बेस किधर है, इस प्रिज्म का बेस किधर है, यह कन्वर्जिंग, और जरा कॉनकेव देखिए, तो कॉनकेव देखिए जब आएगा इसमें और इसमें अगर वर्चुअल प्रिज्म कंसीडर करें तो बेस किधर है, और इसमें वर्चुअल प्रिज्म कंसीडर करें रे ऐसे गई तो बेस किधर है, कहते हैं अगर 1 मार्क्स में पूछा है व्हाई द कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग, तो ये नहीं लिखेंगे बिकॉज़ इट कन्वर्जेस द रे सो इट इज कॉल्ड द कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, तो नंबर भी दे देगा, ठीक है बेटा ये लो 0 एक पढ़ा लेना, ठीक है किधर, 0 के पहले 0 के बाद में, ऑप्शन देता है, जब प्रिज्म पढ़ाएंगे तो बड़ा सॉलिड रीजन आएगा कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग क्यों, आंसर आएगा कॉन्वेक्स लेंस इज अस्यूम्ड टू बी मेड अप फ्रॉम द वेरियस प्रिज्म्स हुज बेसिस आर लाइंग टुवर्ड द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट इज अ रूल दैट व्हेन अ लाइट रे पासेस थ्रू अ प्रिज्म इट ऑलवेज डेविएट्स टुवर्ड द बेस ऑफ द प्रिज्म, ये आंसर है, ये नहीं कि कन्वर्टिंग कन्वर्टिंग इसलिए क्योंकि कन्वर्ज करता है, डाइवर्टिंग डाइवर्टिंग इसलिए क्योंकि डाइवर्ज करता है, कन्वर्टिंग इसलिए है क्योंकि इसके प्रिज्म का बेस टुवर्ड प्रिंसिपल एक्सिस है, डाइवर्टिंग इसलिए है क्योंकि इसके प्रिज्म का बेस अवे टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, मतलब एकदम सॉलिड चलिए तब आपका मार्क्स 80 से ऊपर बढ़ता है, नहीं तो आप कितनों लिख के आएंगे मार्क्स बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा, एकदम सॉलिड चाहिए, अच्छा सा ये डायग्राम चाहिए, उस पर आपको भले ना लैंग्वेज आप दीजिए ए बी सी डी या जी एच करके निपटा दीजिए, लेकिन आपको बाकायदा जो है जानकारी होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जैसे मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ बराबर होगा, आप इधर वाटर करते हैं और इधर कार्बन डाइऑक्साइड गैस करते हैं, अब बीच में ग्लास है,
तो एक किसी इसमें डिस्कशन हुआ था ना N1 N2 N3 तो दिख रहा था ना कन्वेंशन था सराउंडिंग ग्रेटर डेंस इनवर्जन सराउंडिंग ग्रेटर डेंस तो लेंस का फीचर पलट जाता है कॉन्वेक्स कॉनकेव हो जाता है कॉनकेव कॉन्वेक्स हो जाता है तो इसका मतलब है कि एक केस है जिसमें दोनों तरफ फोकल लेंथ बराबर होगी और वो केस है दोनों तरफ का मीडियम बराबर होना चाहिए तो फिलहाल क्लास 12 में तो बराबर ही लेते हैं भविष्य में गारंटी थोड़े ना है ना नीट में गारंटी है ना आईआईटी में गारंटी है कि दोनों तरफ का मीडियम बराबर लेगा अगर मीडियम अलग अलग लेगा तो इसके लिए आप इसको एक मीडिया यानी दोनों सर्फेस पर अलग अलग रिफ्रैक्शन लिखेंगे दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा आपने जो 1/n-1 / r1 - 1/r2 डिराइव किया है वो तब डिराइव किया है व्हेन दोनों तरफ का मीडिया बराबर है वो स्पेशलाइज्ड है वो हर बार नहीं लगेगा इसलिए कॉम्पिटिटिव न्यूमेरिकल लगाइए तो आंसर वन ही मैच करता है क्योंकि आंसर इसलिए मैच करता है इधर वाटर रहता है इधर ग्लास रहता है इधर एयर रहता है अब तो मीडियम में चेंज हो गया तीनों चेंज है तो हर सर्फेसेस पर तो फिलहाल न्यूटन ने ये एडजस्टमेंट दिया कि अगर लेंस के एक तरफ फोकल लेंथ f1 है ध्यान से देखिए और दूसरी तरफ फोकल लेंथ f2 है और गारंटी है कि आपने फोकल लेंथ से जब ऑब्जेक्ट को चेक किया तो वो x1 डिस्टेंस या तो अपार्ट मिला या x1 डिस्टेंस टुवर्ड लेंस मिला इसकी बाध्यता नहीं है कि किधर लेंस की तरफ या लेंस से परे बाध्यता इसकी है कि f1 के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस x1 मेजर हुई आइदर टुवर्ड लेंस और अवे टू द लेंस तो उन्होंने कहा गारंटी है कि जब दूसरे फोकस पर आप खड़े होंगे तो आपको इमेज या तो x2 मिलेगी टुवर्ड लेंस या x2 मिलेगी अवे टू द लेंस विद रिस्पेक्ट टू फोकस 2 मतलब हम अब तक क्या करते थे हम अब तक ऑप्टिकल सेंटर से सारी चीजों का मेजरमेंट करते थे इन्होंने कहा कि आप जब रे डायग्राम बनाएंगे तो आप जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उधर वाले फोकस पे खड़े हो जाइएगा और देखिएगा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है किधर है डजंट मीन कि लेंस की तरफ चल कर गया लेंस से अवे चल कर गया डजंट मीन इज दैट कि फोकस से कितनी दूरी पर है ऑब्जेक्ट x1 आप दूसरे फोकस पर खड़े हो जाइएगा और देखिएगा इमेज कहां गई या तो x2 लेंस की तरफ आपको दिखाई देगी या x2 अवे टू द लेंस दिखाई देगी अब खास बात यह है कि इधर हाथ रखेंगे x1 f1 इधर हाथ रखेंगे x2 f2 इनका कहना था x1 x2 इज इक्वल टू f1 है नहीं याद रहेगा x1 x2 इज इक्वल टू f1 है अगर आपको लग रहा है कैसे तो बड़ा आसान है हम आपको रे डायग्राम बना के दिखा दे रहे हैं देखिए आप मान लेते हैं यहां ऑब्जेक्ट रख लिए देख लीजिए रे डायग्राम आपको दिखा दे रहे हैं यहां आप ऑब्जेक्ट रख लिए ओ हो गया ना x1 ओ तो आप दो रे चलाइए एक पैरेलल चलाइए तो आपको पता है फोकस से होकर निकल जाएगा क्यों और एक आप फोकस से चलाइए क्यों आपको पता है ये पैरेलल हो जाएगा दिखा ये देखिए ये x1 था x1 भाई देखिए क्यों x2 हम कह रहे हैं x1 x2 is equal to f1 f2 कहां से आ रहा है ये एक ट्रायंगल दिखा एक 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 सिमिलर ट्रायंगल क्लियर है x1 f1 का रेशियो आएगा दूसरा ट्रायंगल दिख रहा है क्यों x2 f2 का रेशियो आएगा इक्वेट देम आ जाएगा x1 x2 is equal to f1 f2 ठीक है तो फिलहाल डेरिवेशन से हमें मतलब नहीं है वन मार्क्स के लिए है तो याद रखिए x1 x2 is equal to f1 f2 कन्वेंशन मत लगाइएगा सीधे सीधे आंसर मिल जाएगा अगर आपसे कहा जाता कि एक ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर है फ्रॉम फर्स्ट फोकस और 3 सेंटीमीटर फ्रॉम सेकंड फोकस पर इमेज बनाता है तो बताइए फोकल लेंथ कितनी हमने कहा x1 2 सेंटीमीटर x2 3 सेंटीमीटर और क्लास 12 में हम कह रहे हैं कि दोनों फोकल लेंथ बराबर लेते हैं क्यों क्योंकि मीडिया लेंस को एयर ही तो रख रखा है आपने चारों ओर एयर ही तो है तो x1 x2 इज इक्वल टू f1 f2 कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल टू f2 f कितना हो जाएगा √6 आ जाएगा 2.72 बात समझ में आई x1 x2 इज इक्वल टू f1 f2 डिस्प्लेसमेंट का भी सिर्फ सीबीएसई बोर्ड में सिर्फ एक नंबर के लिए है कि अगर d कैपिटल d इज द सेपरेशन बिटवीन द पिंस स्मॉल d इज द सेपरेशन बिटवीन द टू पोजीशंस ऑफ लेंस देन फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज टू बी रिटन एज d² - d² / 4d मैं कह रहा हूं कि लेंस की एक तरफ फोकल लेंथ f1 है और उसके रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट या इमेज डिस्टेंस x1 है दूसरी तरफ फोकल लेंथ f2 है जो भी इमेज या ऑब्जेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू दैट फोकस x2 डिस्टेंस पे है तो x1 x2
is equal to f1 f2, x1 x2 is equal to f1 f2, और मैं कह रहा हूँ कोई कन्वेंशन नहीं लगाना है, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉन्वेक्स हो, व्हाटएवर भी, बस आप देख लीजिए फोकस से ऑब्जेक्ट कहाँ है और फोकस से दूसरे फोकस से इमेज कहाँ है। जिस फोकस से ऑब्जेक्ट मेजर करेंगे उसको छोड़ दीजिएगा, दूसरे फोकस से इमेज मेजर कर लीजिए, तो इस तरीके से आप वन मार्क्स पा सकेंगे। आ जाइए अब इंटर करते हैं प्रिज्म। प्रिज्म में अगर आप देखें तो लेंस और प्रिज्म में अंतर सिर्फ इतना है कि लेंस में दो सर्फेस कर्व हुआ करते थे और प्रिज्म में दो सर्फेस प्लेन हुआ करेंगे और नॉट पैरेलल, क्योंकि पैरेलल होंगे तो स्लैब हो जाएंगे, सिलेबस के बाहर निकल गए, इंक्लाइंड एट सम एंगल। यानी प्रिज्म इज अ होमोजेनस मीडिया बाउंड बाई टू इंक्लाइंड सर्फेसेस एट सम एंगल। टू इंक्लाइंड सर्फेसेस एट सम एंगल में एंगल को प्रिज्म एंगल या रिफ्रैक्टिंग एंगल कहते हैं। अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है रिफ्रैक्शन एंगल रिफ्रैक्टेड रे का है ना, प्रिज्म एंगल को ही रिफ्रैक्शन एंगल कहते हैं, ठीक है। तो प्रिज्म में न्यूमेरिकल में अगर रिफ्रैक्शन एंगल लिखा है तो कहीं हम रिफ्रैक्शन वर्ड का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, क्योंकि रिफ्रैक्शन मतलब प्रिज्म एंगल होगा। तो प्रिज्म काम कैसे कर रहा है जरा ये देखिए, प्रिज्म काम ऐसे कर रहा है कि अगर आप एक प्रिज्म कंसीडर कर लेते प्रिंसिपल सेक्शन प्रिज्म का, क्योंकि प्रिज्म 3D है, आपने ये प्रिज्म लिया और अब अंदर ग्लास है बाहर एयर है, तो बाहर से अंदर आएंगे तो एयर एंड ग्लास, अंदर से बाहर जाएंगे तो ग्लास एंड एयर, तो ये तो वैसे ही हुआ जैसे था। प्रिज्म भी रिफ्रैक्शन के बेसिस पर काम करता है, तो जरा रे डायग्राम देख लिया जाए, क्योंकि उसी रे डायग्राम से सारी चीजें हैं। अगर रे डायग्राम देखा जाए तो आप बहुत सारी रेज में से एक रे ले लीजिए एज द पी क्यू, इसने फर्स्ट सरफेस को टच किया, चलिए प्रिज्म का नाम रख लेते हैं ए बी एंड सी। अब आपको पता है ग्लास में जा रही है तो टेंसर यानी टुवर्ड द नॉर्मल इसकी बेंडिंग होगी, तो आप ऐसा करिए यहां इस ए बी पर एक परपेंडिकुलर सोचिए कॉल्ड नॉर्मल ऑन फर्स्ट सरफेस। अब आपको पता है ये जो सिंगल एरो रे जा रही है ये अब ऐसे कहां जा पाएगी, टुवर्ड प्रिंसिपल बेंड होगी, बेंड कर दीजिए टुवर्ड प्रिंसिपल, ठीक है। देखिए पहला बेंडिंग हुआ टुवर्ड बेस, और फिर जब यहां टच करेगी तो ग्लास से एयर में जाएगी, और ग्लास से एयर मतलब रेयरर में, तो रेयरर का मतलब बेंड्स अवे टू द नॉर्मल, तो अवे टू द नॉर्मल में आप इस सरफेस पर परपेंडिकुलर सोचिए, ये देखिए ये इस सरफेस पर परपेंडिकुलर सोचिए, तो ये हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन टू, ठीक है। और अब आपको पता है कि इस रे को सिंगल एरो रे को जाना तो ऐसे था लेकिन रेयरर में है, तो बेंड्स अवे टू द नॉर्मल, तो ये और बेंड हो जाएगी, क्लियर है। तो हमने यही तो कहा था कि एक प्रिज्म की का ये फीचर होता है व्हाट एवर बी द केस वेयर एयर बी द रे डायग्राम, अगर उसने प्रिज्म को टच किया तो फाइनल बेंडिंग टुवर्ड द बेस ऑफ द प्रिज्म ही आपको लेना है, ठीक है। बीच में बहुत सारे प्रिज्म का टुकड़ा रखना है, आपको बस ये देखना है किधर वाइट है, फाइनल रे इमर्जिंग उस वाइट की तरफ कर देंगे, ठीक है। मीन्स प्रिज्म का रे डायग्राम ये कंफर्म कर रहा है कि रेज ऑलवेज टुवर्ड बेस बेंड होती है। मान लेते हैं आप ऐसे सोच रहे हैं ये क्या करेगा, ये यहाँ ले आएगा और ये और यहाँ ले आएगा, क्लियर है। हर बार वो बेस की तरफ मुड़ेगा, ऐसे ले आए पहले वाले ने मोड़ा बेस की तरफ, दूसरे वाले ने मोड़ा बेस की तरफ, ये हमेशा रे डायग्राम बनेगा। इसमें इसको आप एंगल ऑफ इंसिडेंस आई कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर कहते हैं, यहाँ आप इसको आर डैश कहते हैं, इस बाहर वाले को आप आई डैश या इमरजेंस ई कह लेते हैं, और ये प्रिज्म एंगल ए कहते हैं। इंसिडेंट रे को फॉरवर्ड प्रोड्यूस करें और फाइनल इमरजेंस रे को बैक साइड प्रोड्यूस करें, तो ये जो इंटरसेक्शन आ रहा है इसको एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस सॉरी रे ऑफ इंसिडेंस एंड इमरजेंस रे को बैक साइड प्रोड्यूस करने पर बीच में जो आपको एंगल मिल रहा है दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन। अब यहां आपको लैब का एक फीचर बताया जाता है तब आगे बढ़ा जाता है, अगर हम इंसिडेंट रे का इंक्लिनेशन मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस घटाने बढ़ाने लगे तो यानी कि आई स्टार्ट टू चेंज, तो आपने देखा था हर बार डेल चेंज हो जाएगा,
यानी जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करते हैं 30, 35, 40, 45, 50, 55 एंड सो ऑन, वैसे वैसे डेल चेंज होता है। तो आई के चेंज होने पे डेल चेंज होता है। तो लेबोरेटिकली आपको आइडियल ग्राफ खींचने को कहा जाता है। जब आप आइडियल ग्राफ खींचते हैं तो ऐसे मिलता है आपको, मीन्स डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए आपको डिफरेंट एंगल ऑफ डिविएशन मिलता है। इसमें खास बात थी, एक पार्टिकुलर केस था जिसमें आपको बहुत सारे डेविएशन में से एक डेविएशन सबसे लीस्ट दिखाता, उसको आप नोट करते हैं एज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। और जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए मिला था, अगर उसको चेक करते लैब में से दिस इज द आई डैश, तो एक्चुअली में ये एंगल, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई जो है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस बराबर होते हैं तो डेविएशन सबसे लीस्ट होता है। जब अब आई चेंज कर रहे होते हैं तो डेल चेंज हो रहा होता है, तो डेल इसलिए चेंज हो रहा होता है क्योंकि आई डैश चेंज हो रहा होता है। आई की डिफरेंट वैल्यू के लिए आई डैश की भी डिफरेंट वैल्यू आती है, लेकिन एक आई ऐसा है एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस बराबर हो जाते हैं, और जैसे ही ऐसा होता है डेविएशन मिनिमम हो जाता है। ठीक है, तो आपने लैब से ये ग्राफ जब खींचा था तो आप कहते थे व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस become equal to angle of emergence, deviation produced by the prism acquires the minimum value. ये lab से आपने ढूंढ लिया। ठीक है, इसका कोई theoretical proof यहाँ नहीं है। अगर आपको पढ़ना है तो आपको फिर GRB के proofs में इसका derivation मिलेगा, और कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि बड़ा टेढ़ा है derivation। सब maxima, minima और integral differential से लगा है, क्योंकि electrodynamics का part हो जाता है। फिलहाल आप ये याद रखिए क्योंकि आपको lab में ये बताया गया। अब आ जाइए कि इस ये जो डायग्राम हमने बनाया, ये डायग्राम रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म का है। ऐसे क्यों बोल रहे हैं? प्रिज्म दो फीचर देता है, ये लाइट को बेंड भी करता है और ये लाइट को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट भी करता है। एक को डिस्पर्जन कहते हैं, एक को रिफ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ मोनोक्रोमेटिक लाइट रे ली गई है, सिंगल कलर की लाइट रे। तो सिंगल कलर की लाइट रे लेंगे तो देख रहे हैं कि रिफ्रैक्शन का रूल फॉलो कर रहा है। अब मल्टीपल कलर की लाइट रे लेंगे तो दो दो रूल फॉलो करेगा। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इन स्पेक्ट्रल कलर्स कॉल्ड डिस्पर्शन प्लस रिफ्रैक्शन आल्सो। भविष्य में हम देख पाएंगे कि प्रिज्म में दो फीचर होता है, बेंड द लाइट रे एंड स्प्लिट द लाइट रे इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। और अगर व्हाइट लाइट प्रिज्म को मिली तो दोनों का व्हाइट के साथ कर देगा, ये लाइट में बेंडिंग भी क्रिएट करा देगा और कलर में भी तोड़ देगा, यानी डिस्पर्शन प्लस डेविएशन बोथ। तो हम देखते हैं थ्योरम बनाते हैं, दो उस थ्योरम से हम प्रिज्म से दोनों फीचर अलग अलग कर सकते हैं। हम चाहते हैं पॉलीक्रोमेटिक लाइट रे ही ले, लेकिन हम चाहते हैं कलर में ना तोड़े, यानी डेविएशन तो चाहिए, डिस्पर्शन नहीं चाहिए, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। मतलब प्रिज्म का दो फीचर होता है, बेंड्स द लाइट रे अंडर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एंड स्प्लिट्स द कलर्ड लाइट रे into the constituent colors for dispersion। हम कह रहे हैं प्रिज्म दोनों एक साथ करता है, लेकिन हमारे पास ऐसा कॉन्सेप्ट है कि हम उसके दोनों फीचर को सेपरेट कर सकते हैं। हम वाइट लाइट लेंगे लेकिन अरेंज कर सकते हैं कि ये उसको कलर में स्प्लिट नहीं कर पाएगा। इसको कहते हैं डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि सिर्फ डिस्पर्जन करेगा, ये रिफ्रैक्शन नहीं कर पाएगा, तो हो जाएगा डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। यानी दो थ्योरम है, 3-3 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है, डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। तो बात की बात है, पहले आइए प्रिज्म पर, और प्रिज्म का पहला फीचर देखते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। क्या है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म? जब हम मोनोक्रोमेटिक लाइट रे को प्रिज्म से पास कराते हैं तो ये रिफ्रैक्शन शो करता है। सो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड इमर्जेंट रे सीम्स टू बी बेंडेड, ये बेंड होती है, टिल्ट होती है, या रिफ्रैक्शन के रूल के थ्रू डेविएट होती है फ्रॉम द स्ट्रेट लाइट ट्रैक। और अभी जब हम डायग्राम बनाते हैं तो देखते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इमर्जेंस है। ठीक है, जानबूझ के आई आर और इधर से आई आर, सोचने में तो आई आर लेना चाहिए था, लेकिन वो ये सोच के रखा गया है एयर एंड ग्लास, तो साइन आई बाई साइन आर, एयर एंड ग्लास साइन आई डैश बाई साइन आर डैश, ये सोच के रखा गया। ठीक है, डिफरेंट बुक में ई कर दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आइडियस देखे। अब आ जाइए, हमने कहा हम रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म देख रहे हैं, मतलब हमने पॉलीक्रोमेटिक लाइट नहीं ली है, पॉलीक्रोमेटिक मतलब व्हाइट लाइट नहीं ली है। इस व्हाइट लाइट में मेनी कलर्स हैं,
और हर कलर्स का वेवलेंथ अलग अलग है। सो जब ये किसी मीडियम से पास होगा तो इसके जितने भी कलर है सब अलग अलग अमाउंट से बेंड होंगे, अलग अलग अमाउंट से बेंड होंगे तो सेपरेट हो जाएंगे, इसी को स्पेक्ट्रल स्प्लिटिंग या डिस्पर्जन कहते हैं। क्योंकि सिर्फ एयर भर ऐसा है जिसमें ऑल ऑफ द कलर्ड लाइट रे ट्रेवलिंग विद द सेम वेलोसिटी, इसीलिए एयर को नॉन डिस्पर्सिव मीडिया कहते हैं। एयर सभी के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ऑफर करता है। सो ऑल द कलर्स आर ट्रेवलिंग विद द सेम स्पीड एंटरिंग सेम टाइम इन द आई, सो आपको अपीयरेंस वाइट की मिली। लेकिन अभी आई और उसके बीच में कोई मीडिया रखना है तो तुरंत लैगिंग एंड लीडिंग शुरू हो जाएगा बिटवीन द ट्रेवलिंग ऑफ लाइट रे, कुछ स्लो हो जाएगी कुछ फास्ट हो जाएगी। इस प्रोसेस में आपको कलर सेंसेशन हो जाएगा क्योंकि कुछ आ गई कुछ अभी आई है तो अलग अलग आ रही हैं, तो व्हाइट कलर तो बना नहीं पाएंगे, कंपोज करते हैं तब ना व्हाइट कलर होता है। तो इस फिनोमिना को जिसमें कोई मीडिया लाइट रे के कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स को स्प्लिट कर सकता है, किस बेसिस पर उनकी स्पीड को घटा के या बढ़ा के, देखिए हम देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडिया का जो है वो डिसाइड करेगा कि किस कलर की कितनी स्पीड होगी और सबकी स्पीड अलग अलग आएगी, यानी सब लीडिंग लैगिंग के फेज में आ जाएंगे और आई पूरा सेंस कर लेगी कि मल्टीपल कलर। तो एयर में सभी कलर की वेलोसिटी सेम होती है बिकॉज एयर में सभी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, लेकिन ग्लासेस में वायलेट का, रेड का, इंडिगो का, येल्लो का, ब्लू का, वायलेट का, किसी को भी उठाकर देखेंगे एन अलग अलग है, सबका एन अलग अलग है, तो सबका सी बाई एन भी अलग अलग होगा और एन अलग अलग है तो साइन आई बाई साइन आर स्क्वायर टू एन, सबका पेंटिंग भी अलग अलग होगा। इस वजह से आप बहुत आसानी से कलर को सेंस कर पाएंगे। तो इस फिनोमेना को डिस्पर्जन कहते हैं। हमने कहा हम डिस्पर्जन नहीं, हम रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म देख रहे हैं। हमने एक लाइट रे ले रखी है पी क्यू और ये जैसे ही इसने फर्स्ट सरफेस को टच किया बेंड टुवर्ड द बेस, और इसने जब दोबारा टच किया तो और बेंड टुवर्ड द बेस। हमने कहा कि इससे पहले कुछ भी डिस्कस करने जाए सबसे पहला डिस्कशन होता है लेबोरेटिकल डिस्कशन। लेबोरेटिकल डिस्कशन आइडियल ग्राफ को कहते हैं जिसमें हम डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए डिफरेंट डेविएशन को चेक करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो एक केस में हमें दिखता है कि डेविएशन अपनी सबसे लीस्ट वैल्यू ऑफर कर रहा है, उसको नोट करते हैं डेल एम, और हम कह रहे हैं कि अगर हम लैब में मेजर करके देखते तो देखते कि व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस बिकम इक्वल तब ये केस बनता है कि डेविएशन मिनिमम हो। ठीक है, इतना लेबोरेटरी हो गया, वापस लौट कर आइए। तो वापस लौट कर आइए, अगर आप यहां हाथ रखें तो लिप पाते एयर एंड ग्लास साइन आई बाई साइन आर, मीन्स आप रिफ्रैक्शन हो रहा है तो स्नेल्स का लगा सकते हैं, पहले सरफेस पे लगाते साइन आई बाई साइन आर, दूसरे सरफेस पे लगाते, अगर ऐसे लगाएंगे ग्लास एंड एयर तो लिखेंगे साइन आर डैश बाई साइन आर डैश। आपको पता है ग्लास एंड एयर अलाउड नहीं है, पलटना पड़ेगा, तो उलटने पलटने का चक्कर है छोड़िए, आप ऐसे चलिए ना क्या फर्क पड़ता है, आप जैसे चलेंगे वैसे आप स्नेल्स का लिखेंगे, आप एयर एंड ग्लास आ रहे हैं साइन आई डैश अपन साइन आर डैश, तो आपको दो बार नहीं लिखना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा साइन एयर एंड ग्लास साइन आई डैश अपन साइन आर डैश। ये आपने स्नेल्स का अप्लाई किया, ये आपने लैब से लिखा, आपने कहा है आई इज इक्वल टू आई डैश होता है तो डेविएशन सबसे मिनिमम होता है, यानी रे मोस्टली सीधी निकलने की कोशिश करती है। अगर आई और आई डैश बराबर कर देंगे तो साइन आर इक्वल टू साइन आर डैश, यानी आर और आर डैश भी बराबर होंगे। इसका मतलब है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की मैथमेटिकल कंडीशन क्लियर है क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन की मैथमेटिकल कंडीशन है दिस एंगल बिकम इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल बिकम इक्वल टू दिस एंगल, अगर दिस और दिस एंगल बराबर हुए तो ये पैरेलल टू बेस हो जाएगी, थेल्स थ्योरम। अगर दिस एंगल बिकम इक्वल टू दिस एंगल तो ये स्लेंट नहीं रह जाएगी, ये पैरेलल टू बेस हो जाएगी। इसका मतलब है जब ये सिचुएशन हुआ था लैब में, आपने ये ग्राफ बनाया था और आपको ये सिचुएशन मिली थी, तो मैथमेटिकली मतलब था आई बिकम इक्वल टू आई डैश एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस, और प्रिज्म के अंदर जो था दो एंगल आर और आर डैश ये दोनों बराबर हो जाए, और क्या था मतलब, और इस टाइम में अगर इस केस का रे डायग्राम बनाए, कंपल्सरी क्वेश्चन रे डायग्राम बनाए, तो इसमें आता है पैरेलल टू बेस, ये आता है डायग्राम, मींस ये नॉर्मल हो गया, ये एंगल और ये एंगल बराबर है और ये एंगल और ये एंगल बराबर है, और ये था पी, ये था क्यू, ये था आर, ये था एस, ये था ए, ये था बी और ये सी। कहते हैं व्हेन द एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम
refracted ray inside the prism become parallel to base of the prism. ये statement पूछता है आपसे कि angle of minimum deviation पर rays inside prism base से कितने angle पर होती है? Answer है parallel होती है means zero. ठीक है, इतना theoretical observation था. अब आ जाइए अपने सिलेबस में थ्योरेटिकल डिस्कशन में. इस पर एक कंपलसरी क्वेश्चन आपको मिलेगा. आ जाइए थ्योरेटिकल डिस्कशन. सबसे पहला थ्योरेटिकल डिस्कशन है हाउ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म कैन बी डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्शन टू प्रिज्म. प्रिज्म से रिफ्रैक्शन होता हुआ देखकर हम उसके डिफरेंट पैरामीटर के को सर्च करके क्या इसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता सकते हैं, जबकि इसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय लैब ये कह के निकाला गया था कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. आपको पता चल जाता था कि इसका इसका एन कितना लेना चाहिए. हम रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म को डिस्कस करके ये बता सकते हैं, क्योंकि हम स्पीड ऑफ लाइट को मेजर नहीं कर पाएंगे ऑन द जनरल बेसिस. लैब में हम आपसे मेजर ही नहीं करा सकते. इसका मतलब है कि सी बाई बी की डेफिनेशन हम लोगों के लिए है ही नहीं. हम लोग सी बाई बी कहाँ जस्टिफाई कर पाएंगे. तो कैसे जाने कि एन ग्लास का 1.5 ही क्यों लेना है. तो हमारे पास रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म है, हम इसको डिस्कस करेंगे तो हमें प्रिज्म के मटेरियल का एन का फार्मूला पता चल जाएगा. ठीक है, इन इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस, प्रिज्म एंगल एंड डेविएशन एंगल. इसका मतलब है एक बहुत बड़ा डेविएशन आपको दे रहा है. 5 नंबर इस साल सीबीएसई के लिए एक लेंस मीटर मिल जाएगा उधर से या स्पेरिकली रिफ्रैक्शन, और ये 7 नंबर 8 नंबर ये रखा है, एक नंबर कंपलसरी और दो बड़े क्वेश्चन. इतना रे ऑप्टिक्स रखा है और दो बड़े क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स से, एक फोटो इलेक्ट्रिक से और एक आपको मिल जाएगा मीटर में या पोटेंशियो मीटर में. इतना करके अगर आप आते हैं तो 40 नंबर होता है. बाकी एक एक नंबर दो दो नंबर पूरा है. मैग्नेटो एक नंबर दो नंबर मॉडर्न फिजिक्स में फिर उधर सेमी कंडक्टर से पूछता है बड़ा क्वेश्चन. मतलब 70 नंबर में 40 नंबर में लगभग 16 या 17 नंबर रे ऑप्टिक्स के ऑप्टिक्स अवेलेबल है. इलेक्ट्रोमैग्नेटो 5-5 नंबर का और करना लगता है. मैग्नेटो तो और बेकार है. इतना ज़्यादा पढ़ना है आपको और एक क्वेश्चन मिलेगा पता चले एक नंबर मुंह खराब हो जाता है. और मैग्नेटो इतना बड़ा है कि देखिएगा कितना टाइम लग रहा है. ऐसा नो डाउट बहुत कठिन नहीं है, लेकिन बात है लेंदी होने की. इतना ज़्यादा टॉपिक है कि बताते 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 आपको बोर होने लगेंगे और मुझे घबराहट होने लगती है. इतना ज़्यादा क्यों? मतलब पहले थ्योरेटिकल डिस्कशन है, ऑब्जर्वेशन है, रूल है, एक्सपेरिमेंटल डिस्कशन है, एप्लीकेशन है, न्यूमेरिकल है. इतना ज़्यादा, लेकिन ठीक है. कॉम्पिटेटिव में फिर आपको मजा आता है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव में रिवर्स हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिव ज्यादा हो जाता है और ये सब कम हो जाता है. चलिए आइए जरा एक एक डेरिवेशन पूरा ले लेते हैं. 5 स्टेप में हम आपको डेराइव करके दिखाते हैं, यही बोर्ड पर याद हो जाएगा. और यही चीज एग्जैक्टली आपको प्रिंटेड मिली है. प्रिंटेड में शायद आपको कष्ट हो देखने में. यहाँ अगर बोर्ड पर आप देख रहे हैं तो सिर्फ 5 लाइन 5 नंबर. गौर फरमाइए और गौर फरमाते रहिए, एक दिन ऐसा आएगा कि आप सहरा चुके होंगे. देखिए अब आपका बोर्ड पास आ रहा है. अगस्त के बाद से तो गिल्टी फील होने लगेगा आपको कि आपने क्यों नहीं पहले थोड़ा पढ़ लिया, क्योंकि अगस्त के बाद जब सिलेबस क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल्स भी फुल हो जाएंगे होने लगेंगे और साथ में पढ़ाई का रोड भी बढ़ने लगेगा. स्कूल के यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, इधर भी टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है, उसी वगैरह में फेस्टिवल का सीजन रहेगा, मतलब लोड पर लोड. तो उस समय गिल्टी अगर ये अगर छुट्टियाँ पढ़ ली हो तो कितना अच्छा रहेगा. फिर आप सोचते ऐसा चलो ठीक है दशहरा छुट्टी पढ़ लेंगे. कहा दशहरा छुट्टी पड़ा होगा, जब दशहरा छुट्टी आएगी तो क्या भाड़ में जाए, पहले खेलों को तो बाद में देखा जाएगा. उसके बाद जब नवंबर दिसंबर आता है फिर गिल्टी फील होता है, अरे बाप रे बाप. फिर होता है कैसा, चलो कोई बात नहीं क्रिसमस जो हॉलीडे होगा उसमें पढ़ लेंगे. जब क्रिसमस हॉलीडे होता है तो उसमें इतना प्रैक्टिकल और वो मिला रहता है प्रोजेक्ट वर्क लिखने के लिए कि वही लिखते रह जाता है, लिखते लिखते टाइम कब ने भी ज्यादा पता नहीं चलता. फिर जब जनवरी के फर्स्ट वीक में स्कूल खुलता है तो फिर गिल्टी फील होता है, बहुत गलती की, पढ़ लेना चाहिए था, वेरी सॉरी. ठीक है, उसके बाद जो है फिर होता है चलो प्रिपरेशन लीव तो मिलेगी ना लास्ट, उसमें जरूर पढ़ लेंगे. फिर आप फिर से एनर्जाइज जाते हैं, प्रिपरेशन लीव में पढ़ें घंटा चार बार के लीव में पढ़े रहे तो प्रिपरेशन लीव में पढ़ाई हो रहा है. प्रिपरेशन लीव में टेंशन होता है, हमें 2 दिन का गैप है, हमें तो 21 दिन का गैप, अब हमें तो गैप हुआ ही नहीं है. यही सब मैनिपुलेट करने में वो जो प्रिपरेशन लीव वो चला जाता है. फिर गिल्टी फील होता है का, फिर सोचिए कितने हिम्मती हैं आप, कहते हैं जो आएगा देखा जाए. और फिर जब पेपर मिलता है तो बहुत पूरे साल भर के सब एक साथ कर्म याद आते हैं, बहुत बड़ी गलती हुई.
लेकिन फिर मन में आता है तीन घंटा ना इसका खुद कोई बनाए इस तरीके से आप कितने बहादुर हैं, हमेशा अपने अंतर मन और बाहर मन से लड़ते रहते हैं और आप फाइनली देखते हैं कि जो आया जो हुआ सो हुआ। क्यों? जो आना तो सो आया। कोई बात नहीं, आपके पास ऑप्शन है, चलिए तीन का देश, हमने एक इंसिडेंट रे ली और आपको पता है कि ये यहाँ रिफ्रैक्ट होके आई। बात मत कीजिए, फाइव स्टेप में देखिए कितना आसानी से डिराइव हो जा रहा है, आपको भी याद हो जाएगा। हाँ, रूम के बाहर निकलने पर याद रहेगा, इसकी गारंटी नहीं लेंगे हम, उसके लिए आपको घर पे पढ़ना पड़ेगा। ये हो गया नॉर्मल, गौर फरमाते रहिएगा, ये हो गया नॉर्मल टू। भैया गौर फरमाने के लिए बोला है, बीच में मुंह खोलने के लिए नहीं बोला है। एन टू आप नाम रखते थे पी क्यू आर एस, ठीक है, दिस दिस दिस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस हियर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हियर, प्रिज्म एंगल, इंसिडेंट रे को आप फॉरवर्ड प्रोड्यूस करते थे और फाइनल इमर्जेंट रे को बैक साइड प्रोड्यूस करते थे, तो आपको मिलता था डेविएशन। ये कौन सा डेविएशन है मुझे नहीं पता, मुझे मतलब आपको मतलब एनी डेल है ये, ठीक है। ये तो रे डायग्राम हो गया पहले का। आप क्या कीजिए, आपने जो नॉर्मल खींचा है एन वन और जो नॉर्मल खींचा है एन टू, दोनों को पीछे बढ़ाइए, इंटरसेक्शन हो जाएगा। कुछ नाम रख दीजिए ए बी सी, पहले ये वाला खींचे थे डी और फिर ये था ई, अंदर है चाहे बाहर उससे नहीं मतलब है। नॉर्मल वन और नॉर्मल टू को बढ़ाइए पीछे, जहां कट जाए अंदर खींचते या बाहर उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए इसका नाम ई रख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट, अच्छा स्टेप में जाने से पहले और देख लीजिए, ये आई है, ये इतना आर है ये, और देखिए ये ट्रांसफर करेंगे तो यहां आ जाएगा आई, ये कितना हो जाएगा आई माइनस आर। सीबीएसई बोर्ड पांच नंबर के लिए स्ट्रगल कर रहा है इस साल 2020 के लिए, दिस कितना हो जाएगा आई डैश, और ये आर डैश था, ये कितना हो जाएगा आई डैश माइनस आर डैश, इसको ई मान लीजिए, ठीक। चलिए ये फुल फ्लेज डायग्राम है, डायग्राम तो याद हो गया, आ जाइए फर्स्ट स्टेप, लगाइए स्नेल्स ला, चाहे इधर से चाहे उधर से, एयर एंड ग्लास इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू उधर से साइन आर डैश, नहीं नहीं उधर से साइन आई डैश साइन आर डैश, पहला स्टेप है, बट ऑब्वियस है। सेकंड आइए, सेकंड स्टेप में आइए, आप ये ट्रायंगल देखिए तो ध्यान से दिखा, ये दिस इज द एक्सटीरियर, दिस प्लस दिस एज ए इंटीरियर, यानी आपके पास सेकंड स्टेप है, डेल इज इक्वल टू आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश, ठीक से लिख लीजिए, डेल इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश माइनस कॉमन बना के आर प्लस आर डैश, क्लियर है दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप, आप ये वाला ट्रायंगल देखिए तो ये वाला दिखा, दिस इज आर, दिस इज आर डैश एंड दिस इज ई, तीनों ऐड करें तो 180 मिल जाना चाहिए ना हमें। थर्ड स्टेप, आर प्लस आर डैश प्लस ई इक्वल टू 180, यहां से ई निकाल लीजिए जरूरत पड़ने वाली है, 180 माइनस आर प्लस आर डैश, क्लियर है थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप, एक क्वाड्रिलेटरल है आपके पास, जरा ध्यान दीजिए तो ए क्यू E R
एंड वापस ये दिखा क्वाड्रिलेटरल में, ये और ये 90-90 है, क्यों? नॉर्मल एंड प्रिज्म सरफेस गया ना, ये 90 तो ये 90 हो गया, ये प्रिज्म है, ये नॉर्मल है, ये 90 तो अंदर ये भी तो 90 हो गया। अगर ये दोनों मिला के 90-90-180 अकेले हो गए तो इनको इनको मिलकर 180 का क्राइटेरिया पूरा करना होगा ना। इन क्वाड्रिलेटरल ए क्यू ई आर एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180, क्लियर है नहीं क्लियर है? अरे 360 ना होता है अंदर का क्वाड्रिलेटरल में, तो यही दोनों मिलकर 180 पूरा कर लिए, तो इनको इनको मिलकर 180 पूरा करना होगा। मैं ई जो है वो यूज कर लीजिए, आप ये वाला यूज करेंगे तो ए प्लस 180 माइनस आर प्लस आर डैश इज इक्वल टू 180 कैंसिल हुआ, ए हो गया आर प्लस आर डैश। इस पे न्यूमेरिकल है, एक फार्मूला एंड दो, इस पे ये दो स्ट्रिक्टली रटा होना चाहिए, हम आपको दिखाएंगे कहाँ यूज हो रहा है। ठीक है, फिलहाल हम डिराइव कर लेते हैं। डेल इज द आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश एंड ए इज इक्वल टू आर। आप एक्सपेरिमेंटल लगा दीजिए, एक्सपेरिमेंटल लगा दीजिए। क्या एक्सपेरिमेंटल? डेल डेल एम से रिप्लेस करते हैं जब आई और आई डैश और आर डैश बराबर लेते हैं। चलिए इसको जरा आप अप्लाई कर दीजिए स्टेप फोर में, क्यों इस सिचुएशन को, यानी एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पर हम सारा मेजरमेंट करने जा रहे हैं। तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन में आर और आर डैश बराबर होते हैं, रख दीजिए यहां तो ए इज इक्वल टू ट्वाइस आर हो जाएगा। यहां से आर की वैल्यू हाफ ऑफ द प्रिज्म एंगल निकल गई, यानी एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन नहीं होगा तो प्रिज्म एंगल आर प्लस आर डैश होगा। और अगर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आपको दिख गया है या मिल चुका है तो आर जो भी दिया डबल कर लीजिएगा, डबल तो ए निकल जाएगा, ए पता रहता है 60 डिग्री, तो आर नहीं पता चल जाएगा। ठीक है, वापस आइए किसमें, आ जाइए स्टेप टू में, स्टेप टू मतलब इक्वेशन टू में आ जाइए। डेल को जब डेल एम बोलेंगे तो आई प्लस आई डैश टू आई हो जाएगा और आर प्लस आर डैश टू आर हो जाएगा, और टू आर तो ए होता है ना। बेनिफिट यहां से आपको डेल एम प्लस ए इक्वल टू ट्वाइस आई, यहां से आपको आई मिल जा रहा है ए प्लस डेल एम बाई टू। इस नेल्स लॉ में फर्स्ट स्टेप में जाके रख दीजिए, क्या आई की जगह ए प्लस डेल एम बाई टू और आर की जगह ए बाई टू। अब समझ में आया कि प्रिज्म से रिफ्रैक्शन का जो फॉर्मूला था वो होता था ए एम इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। याद आया, वहां डायरेक्ट करवाए नहीं थे, हमने कहा था यूज कर लीजिए, जब चैप्टर में पहुंचेंगे तो डिराइव कराएंगे। यानी यूजिंग वैल्यू ऑफ आर एंड वैल्यू ऑफ आई इन द स्टेप वन और इन द इक्वेशन वन, तो आपको फार्मूला मिला एयर एन ग्लास इज इक्वल टू साइन आई, आई इज द ए प्लस डेल एम बाई टू अपॉन साइन आर एंड आर वाज द ए बाई टू। जब आप लैब में प्रिज्म के साथ वर्क करते थे तो आपने एक आइडियल ग्राफ खींचा हुआ था, उस आइडियल ग्राफ से आपको डेविएशन की वैल्यू पता थी, अप्रोक्सीमेट 37 डिग्री टू 41 डिग्री के बीच में आती है ये। क्यों? किसी किसी से बाहर भी है जिन्होंने लैब किया हो, 37 डिग्री टू 41 डिग्री के बीच में ये आती है। और प्रिज्म एंगल आपको पता था कैसे निकालते हैं, यहाँ लाइन खींच लेते थे, यहाँ लाइन खींच लेते थे, यहाँ पिन लगाते थे, यहाँ पिन लगाते थे, इसका ये मिल जाता था आपको, इसका रिफ्लेक्शन और इन दो पिन का रिफ्लेक्शन आपको यहाँ मिल जाता था। क्लियर है? इसको और इसको बढ़ाते थे, ये ए होता था तो ये ट्वाइस ए होता था। याद आया? 120 डिग्री के आसपास आता था, किसी का ज्यादा आया होगा 121-122, किसी का कम आया होगा 118-117, ले देके मेंटेन तो 60 डिग्री के पास ही रहना था। तो आपने इस ग्राफ से डेल एम ढूंढ लिया और इस एक्स रिफ्लेक्शन बाय एजेस से आपने ए ढूंढ लिया, आपने लैब से डेल एम ढूंढ लिया, ए ढूंढ लिया, ए ढूंढ लिया, तो क्या ए एन जी लैबोरेटिकली आपको नहीं मिल गया था 1.55 के आसपास मिला था? इस तरीके से हमने प्रिज्म का एक फीचर आपको बताया रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, और रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म में कितना आसान है रटना। स्टेप वन स्नेल्स लॉ, स्टेप टू डेविएशन, स्टेप थ्री वन ट्रायंगल, स्टेप टू अनदर ट्रायंगल, स्टेप थ्री एक क्वाड्रिलेटरल था,
और अरे दो ट्रायंगल थे, एक इसमें एक्सटीरियर और इसमें सारे इंटीरियर कसम था, और एक क्वाड्रिलेटरल था और एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट था। जरा प्रिज्म एंगल में थोड़ा सा बाहर आइए तो हम नेक्स्ट डे के लिए बेस तैयार कर सकते हैं कि नेक्स्ट डे में क्या पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए। जब आपने रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म डिस्कस किया है तो यहाँ आपको फाइनल फार्मूला मिला है, एयर एंड ग्लास इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। इसमें हम ये डेल एम और ये ए एन जी लिखने के लिए बाध्य नहीं है क्योंकि हम लोगों को पहले से कन्वेंशन पता है, कन्वेंशन पता है मतलब एन हमेशा रेयरर एंड डेंसर लिखा जाता है और डेल की कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करते हैं हम डेल की, क्योंकि डेल की कोई भी वैल्यू तब तो हर बार ऐसा बदलता रहेगा, डेल की बहुत सारी वैल्यूज में एक वैल्यू फिक्स है और वो है मिनिमम वैल्यू, वो इकलौती आती है और वो तब आती है जब आई और आई डैश और आर और आर डैश बराबर होते हैं। यानी कि प्रिज्म के सारे मेजरमेंट किस पे हैं, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ढूंढने के बाद उसका इस्तेमाल हम डिफरेंट डेराइव्ड फार्मूला में करते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो स्नेल्स लॉ का फॉर्मेट आया है रिफ्रैक्शन थ्रू, वो ऐसा आया है, अगर मैं कहता प्रिज्म एंगल इज स्मॉल तो ये साइन और ये साइन हट जाता, कब हम छोड़ सकते हैं साइन, जब प्रिज्म एंगल लेस देन आर इक्वल टू 10 डिग्री है, यानी ये 60 डिग्री नहीं, ये 10 डिग्री तक अगर आ रहा है, एक डिग्री तक का प्रिज्म आता है 1 डिग्री का, यानी कि 180 में से 1 डिग्री हटा लीजिए तो 179 by 2 179, बहुत अच्छे प्रिज्म, इसको बोलते हैं फ्रेजनल बाइप्रिज्म, इतना बढ़िया डायग्राम उससे बनता है लेकिन बड़ा महंगा, अब गिरेगा तो सबसे झंझट कोनवा टूट जाएगा, कोनवा टूट जाएगा बेकार हो जाएगा, फिर मजे नहीं आएगा डायग्राम में, इसीलिए छोड़ दिया जाता है। अगर रियल प्रिज्म लिया जाए तो फ्रेजनल बाइप्रिज्म। फिलहाल चलिए जब ये 10 डिग्री से, जो कि 60 डिग्री आपने लैब में लिया था, ये 10 डिग्री आर लेसर देन 10 डिग्री है तो थिन प्रिज्म कह सकते हैं, हमने साइन छोड़ दिया, बाई टू और बाई टू कैंसिल हो गया, ए इनको दे दीजिए, ए इनको दे दीजिए, वन प्लस डेल बाई ए, ए वन इधर लाइए, एन माइनस वन इज इक्वल टू डेल बाई ए, ए को भी इधर चेप दीजिए, ये हो जाएगा ए एन माइनस वन, दिस इज कॉल्ड डेविएशन प्रोड्यूस बाय अ प्रिज्म। और ये बता रहा है डेविएशन प्रोड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिंग आर प्रिज्म एंगल, डेविएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसी प्रिज्म का रिफ्रैक्शन या बेंडिंग दो बातों पर डिपेंड करता है, प्रिज्म एंगल कितना है एंड प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना। इसका मतलब यह है कि अगर मैं आपसे कहता दिस इज अ प्रिज्म ऑफ अ प्रिज्म एंगल ए कैन गिव द डेविएशन डेल, और मैं कहता कि सेटेड पोर्शन बात मत करिए, सेटेड पोर्शन रिमूव कर ले तो अभी ये आपको ऐसे दिखने वाला है, अभी डेविएशन कितना, एन तो बदला नहीं, एन पहले जितना था एन अभी जितना है, लेकिन पहले प्रिज्म एंगल ए था और अभी सेटेड के हिसाब से तो ए बाई टू हो गया, क्लियर है डेल डैश कितना आएगा, अरे यही फार्मूला तो लगेगा, डेल प्रोपोर्शनल टू ए, डेल प्रोपोर्शनल टू ए, डेल प्रोपोर्शनल टू ए, डेल डैश प्रोपोर्शनल टू ए बाय टू, टेक द रेशियो, प्रिज्म एंगल आधा, डेविएशन आधा। अगर प्रिज्म को पानी में डुबो दे तब, अगर प्रिज्म ऐसे था तो डेविएशन था ए एन माइनस वन, ये क्या था डेविएशन ऑफ प्रिज्म इन एयर, ये क्या था एयर एन ग्लास, पानी में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, इस डेविएशन को डेल लिक बोलेंगे, ए ए रहेगा और ए एन जी तो एल एन जी हो जाएगा ना, जो काम लेंस के लिए करते थे वही प्रिज्म के लिए भी है, जब यहाँ आप रखेंगे तो बाहर लिक्विड अंदर ग्लास, यानी ये हो जाएगा एल एन जी माइनस वन, रेशियो ले लीजिएगा डेल लिक्विड अपॉन डेल एयर, डेविएशन गिवन बाय द प्रिज्म व्हेन इट इज इमर्ज्ड इन अ लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू डेविएशन गिवन बाय द प्रिज्म इन एयर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एल एन जी माइनस वन अपॉन ए एन जी माइनस वन, वहां आया था ए एन जी माइनस वन अपॉन एल एन जी माइनस वन, इसमें लेंस में प्रिज्म उल्टा आ रहा है क्योंकि वहां पर अपान एफ का चक्कर था, अपान एफ यहाँ पर इतना प्रिज्म का एक जगह था।